इनका एक एक्सपेरिमेंट था, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं चित्र में, ये डॉग अच्छे से इन्होंने बांधा हुआ है पैवलोव ने, और इसमें क्या किया है इन्होंने, फिर इसके गर्दन पर यहाँ इसकी जो लार नली है उसका ऑपरेशन करके इसमें एक नली फिट कर दी है, और इसके मुंह से जो लार निकलेगी वो बाहर ना निकल के इस नली में से आकर इधर इसमें एकत्रित होती चली जाती थी। ठीक है, उन्होंने इसके सामने सबसे पहले भोजन रखा, पहले स्टेप में सबसे पहले इन्होंने कुत्ते को बांधा और उसके बाद उसको भोजन दे दिया, कुत्ते ने भोजन कर लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि डॉग को डायरेक्ट भोजन ना देके कुछ किसी अस्वाभाविक उद्दीपक से इसको बांधा। अस्वाभाविक उद्दीपक कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए जैसे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, उन्होंने क्या किया कि पहले डायरेक्ट एक बार भोजन दे दिया, दूसरी बार में डायरेक्ट भोजन नहीं दिया बल्कि घंटी बजाई उसके बाद उन्होंने उसको भोजन दिया। तो जब कई बार उन्होंने ये प्रयोग किया तो वो समझ गया कुत्ता क्या कि जब घंटी बजेगी उसके बाद मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा। इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने और आगे बढ़ाया, घंटी बजाई, फिर बल्ब जलाया, उसके बाद उसको कुछ खाने के लिए दिया। ये एक्सपेरिमेंट एक बार में नहीं होगा, दो तीन दिन तक कुत्ते को भूखा रखा जाए फिर एक बार एक्सपेरिमेंट हो, फिर भूखा रखा जाएगा फिर एक्सपेरिमेंट होगा, क्योंकि अगर एक बार उसका पेट भर गया तो फिर वो क्रियाशील नहीं होगा कि खाना रखा है तो रखा रहने दो कोई बात नहीं, पेट भरा हुआ है वो क्रिया ही नहीं करेगा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। तो इन्होंने वही किया। नेक्स्ट यहाँ एक एक्सपेरिमेंट की ओरिजिनल वीडियो है इनकी, देखिएगा। देखिए ये आईपी पैवलोक थे जिन्होंने अपनी ये थ्योरी दी है। ये देखिए जो एक्सपेरिमेंट है वो इस तरह से आ रहा है। ये इन्होंने इस तरह से बिल्कुल ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट अपना, ये देखिए लार जो नली है उसमें ऑपरेशन करके इन्होंने फिट किया है जिससे लार की मात्रा को एकत्रित कर सके, और लार की मात्रा को एकत्रित करने का उद्देश्य ये था कि भोजन देख के कितनी लार गिराई और घंटी देख के कितनी लार गिराई, उस मात्रा को इन्होंने मेजर करना था कि दोनों की मात्रा सेम आती है या अलग अलग है। यहाँ ये देखिए घंटी के बाद इसको भोजन दिया गया है, पहले भोजन इसको डायरेक्ट दिया था, अब घंटी बजाई है उसके बाद, अब घंटी को देख के ही इसकी लार गिरी थी, भोजन नहीं था यहाँ पर, भोजन है ही नहीं लेकिन घंटी की आवाज़ को सुन के ही ये लार गिराने लगा। आप सभी के लोगों के पास ग्लास है, ठीक है, चलो पढ़ाई थोड़ी बाद में होगी, पहले कुछ पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक, इंद्रमणि सबको कोल्ड ड्रिंक दो जल्दी से, हाफ हाफ। जल्दी करो थोड़ा, आप बेटा आप ले लो कोल्ड ड्रिंक, ले लो पीछे सर्व करो थोड़ा जल्दी। आ गया है कि एस और आर में संबंध स्थापित हो जाता है। एस का मतलब स्टिमुलस, आर का मतलब रेस्पॉन्स, स्टिमुलस को देख के प्रतिक्रिया होती है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया पैवलोक ने कि ये खाना दिया है कुत्ते को और इस ये इसे देख के लार टपका रहा है। सेकंड में ये कोई इन्होंने यहाँ पर टर्निंग फोर्क ये दिया है या बैल इसकी जगह दे सकते हैं, कोई भी हमारा अस्वाभाविक उद्दीपक हो सकता है, तो इसको देख के इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, इसे देख के इसके मुंह में लार नहीं आ रही है। यहाँ पर क्या किया, खाने के साथ ये भी इसकी भी आवाज़ की, अब कुत्ते को क्या लग गया कि आवाज होगी कोई उसके बाद खाना मिलेगा, तो यहाँ खाना नहीं रखा केवल ये आवाज वाला यंत्र रखा है और इसे देख के ही ये लार टपकाने लगा है। ठीक है, तो यही जैसे कि अभी आपके साथ मैंने एक प्रयोग किया कि आपको पहले कोल्ड ड्रिंक दे दी, कोई मैंने स्वाभाविक उद्दीपक दिया है, अस्वाभाविक उद्दीपक अभी नहीं दिया है, कोल्ड ड्रिंक एक स्वाभाविक उद्दीपक था।
अस्वाभाविक उद्दीपक, मैंने क्या किया, बल्ब जलाया। ठीक है, यहाँ बल्ब का जलना क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक। और उसके बाद आपको कुछ खाने के लिए मिला जैसे टॉफी वगैरह, उसके बाद बल्ब भी जलाया, फिर घंटी भी बजाई, फिर उसके बाद आपको कुछ खाने के लिए मिला। अब उसके बाद फिर मैंने बल्ब जलाया, फिर घंटी बजाई, तो आप लोगों ने क्या सोचा, मैडम फिर कुछ खाने के लिए देंगी। ठीक है, संबंध स्थापित हुआ, लग गया कि मैडम ये प्रोसीजर करेंगी, उसके बाद कुछ ना कुछ मिलना है खाने के लिए, टॉफ़ी मिले, चॉकलेट मिले या कोल्ड ड्रिंक मिले, कुछ ना कुछ मिले। ठीक है, उसी तरह से डॉग का इस घंटी के साथ और बल्ब के साथ कनेक्शन हो गया था, उसे मालूम पड़ गया था कि जब घंटी बजेगी, बल्ब जलेगा, उसके बाद मुझे भोजन।